गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में लगातार दो दिनों से जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। इस निमित्त गुरुवार की रात लगभग डेढ़ दर्जन हाथियों का झुंड अमतिपानी गांव पहुंचा, जहां गांव के 10 घर तोड़कर घर में रखे अनाज बर्तन एवं जरूरत का अन्य सामान को बर्बाद कर दिया। इस पर जीएम भारत की टीम ने फॉरेस्ट ऑफिसर से बात की तो उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को उनका नुकसान का भुगतान किया जाए। डीएफओ साहब की भी बात आपको सुनाएंगे, उससे पहले जिनका घर टूटा है उनसे जानते हैं। कितना बजे के करीब ही हुआ घटना? 9 बजे। 9 बजे हाँ। कितने के झुंड में आए हुए थे? झुंड में तो बहुत आया था। हाँ, 10 के लगभग आया था। ठीक है, क्या क्या नुकसान हुआ? चावल नुकसान हुआ, धान, मक्का, मतलब आप लोग का जितना भी राशन था सब खा गया? सब खा दिया। और आपका? मेरा भी वही। आपका भी धान मकई? धान मकई, घर को गिराया। जितना भी अलबत्ता कपड़ा सब चूर हो गया। तो फॉरेस्ट डिपार्ट आया तो क्या क्या बात हुआ? वो कुछ नहीं बोला कि आप लोग फोटो खींच लीजिए और सप्लाई करके पेपर हम लोग को 2 पीस दे दीजिए और 1 पीस अपना तरफ रख दीजिए। अच्छा, तो सरकार से आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? घर मांग करना है, घर चाहिए। हाँ, और जो भी खर्चा नुकसान हुआ तो उसको तो कुछ बात देगा खाने के लिए। ठीक है, कितना घर को नुकसान पहुँचाया है? 10 घर को नुकसान किया है। 10? हाँ, वही कल रात में 9 बजे आसपास आया है और पूरा गांव का हर घर का मतलब सभी जहाँ जहाँ खाने के लिए उसका सामान है वहाँ वहाँ वो उजाड़ रहा है और खा रहा है। और वो भगाने से भी भाग नहीं रहे, 10 के ग्रुप में है। ऐसे नुकसान क्या क्या हुआ? धान नुकसान हुआ थोड़ा जोर से। धान नुकसान हुआ और चावल वगैरह? चावल एक बोरा नुकसान हुआ। कल नहीं, परसों आदमी का जान गया होगा, गुमला में था हाथी, कल आ गया है बिशुनपुर का, मतलब हम लोग का लोहरदगा रेंज में, सॉरी डिवीजन में, बिशुनपुर ब्लॉक जो है ना, आधा गुमला में है आधा हम लोग का लोहरदगा में है, मैंने फॉरेस्ट डिवीजन भाई जी। तो कल हम लोग के यहाँ आया है तो हम लोग उसको अभी कोशिश में है कि फिर जंगल में लौट जाए, गांव में नहीं घुसे। तो आज जैसे 10 घर तोड़ा है सुबह, तो घर जो टूटता है या फसल खाता है या अनाज खाता है उसका कंपनसेशन मिलता है वेरिफिकेशन के बाद। अच्छा। तो जैसे सीओ का रिपोर्ट आता है और रेंज अफसर का रिपोर्ट, तो उसके आधार पे हम लोग डिमांड करते हैं सेंटर मतलब स्टेट से, वहां से फिर फंड आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 2-2.5 महीना लगता है इसमें। और वही कोशिश किया जाता है कि गाँव में ना घुसे हाथी, जंगल में ही रहे और फिर अपना रास्ता से आया उधर चल जाए, क्योंकि वो रुकता नहीं है बहुत दिन, महीना 2 महीना रुकता है फिर चला आता है। हाँ, साथी हमेशा विचरण करते रहता है। लेकिन महीना 2 महीना में ही तो गरीब का जो घर है और इतना अनाज जो बढ़ना जा रहा है, इतना लॉस हो रहा है, तो सरकार और आपके तरफ से क्या सहायता दिया जा रहा है? हम लोग बस एक ही काम करते हैं कि जिसका लॉस होता है उसका सरकारी रेट तय है, उस पर हम लोग कंपनसेशन दिला देते हैं, और दूसरा हाथी को जंगल में ही कन्फाइन करने का कोशिश करते हैं। आप समझिए, आप उसको बकरी की तरह हाँक नहीं सकते हैं ना बांध के रख सकते हैं जी। उसको हम लोग मिलजुल के गाँव वाला के साथ कोशिश करते हैं कि गाँव में ना घुसे, और घुस भी गया तो कम से कम आदमी का नुकसान ना करे। फसल तो खाता ही है और घर तोड़ता है महुआ के चलते, तो हम समझाते हैं गाँव वालों को कि महुआ नहीं रखे, क्योंकि उसको महुआ अच्छा लगता है, तो जहां भी उसका स्मेल आता है वहां घुस के वो घर तोड़ देता है। घर दो ही कारण से तोड़ता है, या तो महुआ रखा है या उसके रास्ते में पड़ रहा है घर। हाथी का 100 साल का याददाश्त होता है, वो 100 साल पहले 80 साल पहले जहां से गुजरा है वहीं से जाएगा, तो उसमें जो घर बना हुआ है वो उसको बाधा लगता है तो तोड़ देता है। तो हम लोग में गांव में जितना भी बसा है पिछले 50-60 साल में वो जंगल के काट काट के लोग बस गया है, उसी का ये सब दिक्कत हो रहा है, उसी के चलते जी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।